At other times, they may be administratively organized in a separate department that is medical psychology, social work, or family services. Simultaneously, clinical or health psychology, ke lawa, wo family services may be involved, social work may be involved, or medical psychology may involved. Successful diagnosis and the treatment of few complicated patients require a close, collaborative, a collegial relationship, and that includes good integration of social. एंड साइकलॉजिकल एंड मेडिकल केयर जब हम एक पूरे मॉडल की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक मेडिकल सेटिंग में एक इंडिविजअल आया प्रॉबेबली उसकी जो रिपोर्टेड प्रॉब्लम थी वो अल्सर की थी लेकिन उस अल्सर की प्रॉब्लम को जब आप डिस्कस करते हैं मेडिकल डॉक्टर्स उसको लुक करते हैं और वह उसको रिलेट करते हैं कि मे बी इसका तल्लु स्ट्रेस के साथ है इसका ताल्लुक एग्जाइटी के साथ है और स्ट्रेस और एग्जाइटी उसको कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वर्क सेटिंग से हो रहा है उसके स्कूल से हो रहा है उसकी फैमिली से हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट तो एक कोलेबोरेटिव एफर्ट से आप उसके डायग्नोसिस को रीच कर सकते हैं एट टाइम्स हम बहुत सरप्राइज होते हैं कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उसको अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ बताते हैं और वो कहते हैं कि आपको एग्जाइटी है और ये सारे सिम्टम्स एग्जाइटी की वजह से हैं क्योंकि एज अ प्रोफेशनल वो ये समझता है कि ये आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं उनकी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आपको आ रही हैं तो वहां पर एक कोलाबरेटिव और uh, जो अप्रोच है उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है गिविंग यू एन ऑफ अ अ केस गर्ल टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वोसा इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर द स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल साइकोसोमेटिक यूनिट साइकोसोमेटिकली आइडेंटिफाइड फैमिली स्ट्रेस माइट काउंट फॉर द इमोशनल प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द टू मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट विद द विदिव एफर्ट ऑफ फिजिशियंस एंड psychotherapist शी continued टू do वेल इन द रिस्पांस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ her डिजीज़ अब ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो इटियोलॉजी है अगर वो फिजिशन ने पढ़ी हुई है अगर वो साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ी हुई है तो बोथ डिस्कस द प्रॉब्लम एंड दे कम टू नो कि उसको एक फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से उसने अपने आप को इस्केप करने के लिए अपने आप को ईटिंग बिहेवियर्स में जो है वो डिस्टर्ब उसके हो गई हैं और वो उसकी एक मैनीफेस्टेशन है उसकी एग्जाइटी की तो अगर वो फैमिली स्ट्रेसेस जो हैं वो डूल होंगे हो जाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका ईटिंग बिहेवियर जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा सो दिस इज हाउ द एंड इंटरग्रेटेड अप्रोच वर्कस ऑन फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनकी हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती वाई लुकिंग एट टू द केस ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर आई वुड लाइक टू शेयर दैट इफ यू जनरली गो टू द हॉस्पिटल सेटिंग एंड यू लुक फॉर द केसिज विच आर एज नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा

और हमारे दांत खराब हो गए हैं और हमें इस तरह के इश्यूज हैं एंड ऑन द इन्वेस्टिगेशन दे गेट टू नो दैट बेसिकली दे आर द केसेस हु आर रिलेटेड टू ईटिंग दॉस और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स शो हो रहे हैं और वो उनको फिर रिफर करते हैं सो दे आर द केसेस व्हिच कम्स टू द दिक्री डिपार्टमेंट्स थ्रू रेफरल रादर देन कमिंग्स टू देम एज अ डायरेक्ट केस तो एक कोलैबोरेटिव और इंटीग्रल जो अप्रोच है मेडिकल सेटिंग्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द असेसमेंट ऑफ एनी सच केसेस mental health practitioners in medical settings also must remain keenly aware of their expertise and their limitations this includes interdisciplinary collaboration in outpatient settings अब जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो अपनी असेसमेंट के अंदर कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज करें क्योंकि अगर आप एक पेशेंट को प्रॉपर्ली असेस नहीं करते मे बी आप उसकी सिम्टम्स को सिर्फ देख रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे हैं। उसकी रीजन क्या है तो मे भी आप ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो उसके लिए सफिशेंट ना हो मेंटेनिंग कम्पिटेंसीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम और कम्पिटेंसीज़ कैसे आती हैं आपकी अच्छी एजुकेशन से आती हैं आपके एक्सपीरियंस से आती हैं और आपकी प्रैक्टिस से आती हैं और उसके बाद इंटेग्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज़ जो हैं उनसे आती हैं दैन अटेंडिंग टू इश्यूज़ इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द हेल्थ इंश्योरेंस फिर एक और इशू भी आ जाता है कि जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वैन इट कम्स इन तो वहां पर भी देखना कि ट्रीटमेंट जो है उसका सोल पर्पज़ क्या सिर्फ किसी हेल्थ इंश्योरेंस को अवेल करना तो नहीं है या किसी केस uh, में अपने आप को कोई फायदा लेने के लिए तो नहीं है या वो कोई जैन या ऑथेंटिक केस है टू डील विद सच इशूज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मस्ट अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट रोल फॉर देयर सर्विसिज दे मे ऑल्सो रिमेन प्रिपेयर टू रिकोगनाइज एंड अप होल्ड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सो वाइल वर्किंग एज द हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन मेडिकल सेटिंग दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट दे शुड अप होल्ड देर इंटेग्रिटी दे शुड अप होल्ड देयर राइटियस एस्पेक्ट और वो अपनी जो प्रोफेशनल कंपिटेंसीज हैं उनको मेनटेन रखते हुए जो केसेज हैं उनको सही तरीके के साथ जो है वो डिस्कस करें शेयर करें और केस कॉन्फ्रेंसिस में अपने सही ट्रू ओपनियन को रिफ्लेक्ट करें ताकि उसकी हेल्प से मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो उस केस का सही डायग्नोसिस कर सकें और उनको सही ट्रीटमेंट दिया जा सके